तो कैसा आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जिस तरीके से हमने अभी तक प्लांट हार्मोन जो हमारा चैप्टर, उसमें हमने ऑक्सिन हार्मोन के सारे चीज़ें देख लिए, फिर जिबरेलिन हार्मोन के बारे में सब चीज़ें पढ़ ली। अब हमारा नंबर आता है साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हमारा तीनों हार्मोन खत्म होगा, देने एक लेक्चर हम लोग और करेंगे जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल हार्मोन जो हम लोग बना रहे हैं या जो हार्मोन हमारे पास है प्लांट हार्मोन, उसका एग्रीकल्चर में किस तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं, किस तरीके से वो एग्रीकल्चर में हेल्पफुल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए बिना किसी तैयार के हम लोग अपना आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कंटेंट आपको यहाँ मिलता है माध्यमिक से रिलेटेड, वैसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगा। तो बिना किसी इंतजार का ये लेक्चर स्टार्ट होता है हमारा। और अभी तक अगर आपने कॉपी कलम नहीं निकाला है तो लेक्चर को बंद करें, जाके सो जाए, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ देखने का। ऐसे सो जाए, बंद करके सो जाते ही सो जाते, ऐसा कुछ होगा नहीं। सभी निकला कि नहीं? हाँ, कॉपी कलम निकाल के बैठने का, जो जो बातें बताई जाए उनको नोट करने का, ठीक है? और ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, सीधा बात है। देखो, हमने अभी तक देखा कि ऑक्सीजन में क्या था हमारा, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन था। हम मैंने पहला लेक्चर में ही बताया था आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चार मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, हार्मोन्स बना रहे। बेसिकली जो हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये चार आदमी मिलने वाले हैं, चार एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन था, जिबरेलिन में नाइट्रोजन नहीं था, ठीक है? ये ऐसा आदमी है जिसमें नाइट्रोजन है, सिंपल सा बात है। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट वही डालेंगे, इट कंटेन्स नाइट्रोजन, इट कंटेन्स नाइट्रोजन। लिखो रे कोढ़िया इंसान लोग, लिखो। इसका डिस्कवरी के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जिबरेलिन के बारे कुछ बात नहीं किया था मैंने, ठीक है? वो सब भी हम लोग कवर कर लेंगे, एक छोटा सा सेपरेट लेक्चर बना करके। इसका डिस्कवरी मिलर नामी साइंटिस्ट ने किया था आपका। इसको डिस्कवर किसने किया था? मिलर नामी साइंटिस्ट ने किया था। एक मिलर नामी साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था 1906 में। बेसिकली ये अकेले नहीं थे, इनके अलावा और भी बहुत साथी थे इनके, 1906 नहीं था, सॉरी 1956 था। इसके अलावा और भी बहुत सारे साथी थे इनके। और इनको मिला कहाँ से था ये हार्मोन? इन्होंने निकाला था ईस्ट से। ईस्ट में आपको पता है कि बर्डिंग का प्रोसेस होता है, तो ईस्ट का जो बर्ड होता है, ईस्ट के जो बर्ड होते हैं आपके, वहाँ से इन्होंने इस हार्मोन को डिस्कवर किया था। ये सिंपल सा बात है आपका। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस के बारे में। तो इसका साइट ऑफ सिंथेसिस ढेर सारा है, ये आपको मैच्योर सीड्स में मिलेगा। पहला पॉइंट सब डाल लीजिए, मैच्योर सीड्स में आपको जिबरेलिन हार्मोन भी मिल रहा था, ये आपको न्यूबॉर्न सीड्स में भी मिलेगा, वहाँ पर आपको जिबरेलिन हार्मोन भी मिल रहा था, ठीक है? फिर ये आपको टमाटर के रस में भी मिलेगा, वहाँ पर जिबरेलिन हार्मोन नहीं मिल रहा था। तो आपको टमाटर का रस जैसे लिखना आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ये आपको टमाटर का रस में मिलेगा। इसके अलावा नारियल पानी मिलेगा, डाब जो आप पीते हैं तो डाब के अंदर जो पानी होता है ना, वहाँ नहीं मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा, ठीक है? तो नारियल के पानी में आपको मिलता है ये सिंपली आपका। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे जो रस वाले फूल होते हैं, बहुत सारे फूल जिसमें रस पाए जाते हैं, वहाँ पर भी साइटोकाइनिन हार्मोन मिलता है। ये सारी बातें आप नोट कर लिए होंगे अभी तक, मुझे उम्मीद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस हार्मोन से रिलेटेड ये है कि अभी तक इसका पूरा एक प्रॉपर फंक्शन, किस तरीके से ये पौधे में फंक्शन करता है, किस तरीके से इसका फीचर है, किस जगह पर ये एग्जैक्ट हमको मिल सकता है, इसके बारे में अभी तक स्टडी चल रही है। अभी तक साइंटिस्ट पूरे तरीके से 100% श्योर नहीं है इस हार्मोन से रिलेटेड। तो यहाँ तक ये बात तो अब क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई उस इन्फॉर्मेशन को आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, सवाल आपका वहीं से बनना है, ठीक है? देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइटोसिंथेसिस के बाद हम बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में, जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है जहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो नाम इनका साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन से अगर आपको एक वर्ड याद आ रहा हो, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या है आपका? डिवीज़न ऑफ, बोलो, साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो महाशय है हमारे पास साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये क्या करते हैं, ये पौधों में साइटोकाइनेसिस का रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है? इंक्रीजेस रेट ऑफ डिवीज़न, इंक्रीजेस रेट ऑफ डिवीज़न, इंक्रीजेस रेट ऑफ डिवीज़न। ये क्या कहते हैं, ये रेट ऑफ डिवीज़न हमारा बढ़ा देते हैं साइटोकाइनेसिस का, किस में? प्लांट्स में। इसके थ्रू क्या होता है कि प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो अप करना स्टार्ट कर देता है, ये इसका एक पहला फंक्शन और पहला फीचर्स में आपका आता है। दूसरा हम लोग अगर बात करते हैं तो ये देखो, ऑक्सीजन में क्या था कि वो सिर्फ एक ही सिम्ट में मूव कर रहा था, एपेक्स से बेस की तरफ, जो हमने देखा था आपका कि वो जो आदमी था वो सिर्फ और सिर्फ आपका एपेक्स से लेकर के बेस की तरफ मूव कर रहा था। फिर हमने जिबरेलिन की तरफ देखा कि वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों तरफ जा सकता है आपका, ठीक है? ये चीज़ हमने देखा आपको।
दूसरा हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो बंदा है, ये भैया जो आपके हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मूव्स इन एनी डायरेक्शन। एक लोकल हार्मोन की तरह किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब इनके लिए डायरेक्शन की कोई भी पाबंदी नहीं है। इसके बाद हम अगला पॉइंट्स की बात करते हैं। तो भैया ये पानी में सॉल्युबल है आपका, और बताओ तो और सॉल्युबल कौन था? ऑक्सीजन के ज़िबलिन, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। हाँ सही बोले, और हमारा सॉल्युबल था ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन सॉल्युबल था हमारा वाटर में, लेकिन ज़िबलिन हार्मोन हमारा क्या था? वाटर में सॉल्युबल नहीं था। सिंपल सा बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये भी हमारा सॉल्युबल है वाटर में, मतलब कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन से कुछ कुछ मिलता जुलता है, पूरे तरीके से नहीं है, कुछ कुछ मिलता जुलता है। और ये क्या करता है? ये DNA सिंथेसिस करता है। जो हमारा जो प्लांट है, प्लांट के बॉडी में जब DNA तैयार हो रहा होता है, तो DNA के प्रिपरेशन में ये हार्मोन हमारा मदद कर रहा होता है, तो उसको DNA सिंथेसिस हम लोग बोलते हैं। DNA का बनने का जो प्रोसेस है, हो गया यहाँ तक? हो गया तो बोलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। देन उसके बाद थोड़ा सा फंक्शन की बात करते हैं, फिर हम लोग आपसे अलविदा ले लेंगे। मिटा देते हैं, चलिए कुछ तो मिटाते हैं, ऊपर का कुछ पोर्शन ही हटा देते हैं कम से कम, नोट करते चलिए। जैसा नोट, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ नोट, जैसा लेक्चर में चलता रहा, लेक्चर को वन बाय वन फॉलो कीजिए। अगर किसी ने अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता हो आपको सिर्फ साइटोकाइन हार्मोन के बारे में पढ़ना हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, इसके पहले अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप पहले इनिशियल से स्टार्टिंग से जाकर के सारे लेक्चर को देख करके आइए, फिर इसको आगे देख के आपको पूरा चैप्टर का जो एक थीम होता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? बीच में ऐसा नहीं कि बीच में आए देखे फिर चले गए, वैसा मत करो, वेब सीरीज थोड़ी ना चल रहा है। फंक्शंस की बात करते हैं, तो पहला फंक्शन इसका वही आ जाता है कि ये साइटोकाइनेसिस की रफ्तार को बढ़ाता है, उसको आप लिख लीजिए, इंक्रीजेस रेट ऑफ साइटोकाइनेसिस, लिखिए इंक्रीजेस रेट ऑफ साइटोकाइनेसिस, ठीक है? वो पहला था हम लोग यहाँ पर। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट्स की बात करेंगे, ये बोल रहे हैं कि बीजों की नसोनुमा मदद करता है, यानी कि सीड जर्मिनेशन में ये भी हमारा हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है ज़िबलिन वाले लेक्चर में, मुझे उम्मीद है कि वो आपको याद होगा। तो ये आपका सीड जर्मिनेशन में ये भी हेल्प करता है, ऐसे लिख लीजिए, हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आपका? तो उसके बाद ये बोल रहे हैं ये खुलिया की लंबाई को बढ़ाता है, पौधा का लंबाई नहीं बढ़ाता है, खुलिया की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है? इंक्रीजेस लेंथ ऑफ सेल, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ सेल, ये आपका खुलिया की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक बात है? यहाँ तक क्लियर है आपका? उसके बाद अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह कर उस अगला पॉइंट की वजह कर साइटोकाइनिन को हम लोग एंटीऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सिन का ठीक उल्टा है ना, एंटीऑक्सिन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सिन का उल्टा, या जिसको आप एक लाइन में ऐसे बोल सकते हो, ओपोजिट ऑफ ऑक्सिन, ठीक है? लिख लो इसको, ओपोजिट ऑफ ऑक्सिन। अब ये इसलिए होता है कि मैंने आपको बताया था पौधे में, देखो एक होता है एपिकल बर्ड हमारा, अगर हम इसको प्रोमोट करते हैं तो पौधा किस में बढ़ेगा? लंबाई में बढ़ेगा, या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि पौधा का लेंथ आपका बढ़ेगा, लंबा होगा वो। दूसरा हमारे पास होता है लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड हमारे पास सिंपली ये है, अगर हम लैटरल बर्ड की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं तो पौधा हमारा चौड़ाई में बनेगा, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा वो आपका, है ना? तो ये ठीक है। तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या कर रहा था? इसको प्रमोट कर रहा था, लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है? वो आपका लैटरल बर्ड को प्रमोट करता है, यानी कि पौधा साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह का चौड़ाई में बढ़ता है। तो ये ठीक उल्टा काम हुआ आपका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इसको प्रमोट कर रहा था, ये इसको प्रमोट कर रहा है, तो चूंकि ये उल्टा काम कर रहा है इसीलिए हम लोग इसको एंटी ऑक्सीजन हार्मोन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में विच हार्मोन इज एंटी ऑक्सीजन हार्मोन, विच हार्मोन इज नॉन एंटी ऑक्सीजन हार्मोन, तो आपका सिंपल जवाब होगा साइटोकाइनिन। पूछेगा वाई, आप सिंपल बता सकते हो कि चूंकि आपका जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो एपिकल बर्ड को प्रमोट, एपिकल बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे पौधे लंबाई में बढ़ते हैं ज़्यादा, चौड़ाई में कम बढ़ते हैं, बट इसके उल्टा साइटोकाइनिन क्या करता है? वो लैटरल बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करता है, इस तरीके से पौधे चौड़ाई में ज़्यादा बढ़ते हैं लेकिन लंबाई में कम बढ़ते हैं, इसी वजह का साइटोकाइनिन को हम लोग एंटी ऑक्सीजन हार्मोन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बस इस पर इतनी सारी ही बातें हैं, और तो कुछ मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको मिलेगा, ठीक है? ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी हो गई। अगर कुछ पॉइंट्स कहीं मिस हो गया, देखो पॉइंट्स मिस हो सकते हैं हर एक हार्मोन वाले, जितने भी मैं तीनों हार्मोन अगर समझाया, हो सकता है कुछ पॉइंट्स एक आध दो मिस हो गया, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बना करके नई लेक्चर शूट करता हूँ, बस आता हूँ लेक्चर को शूट करता हूँ जो दिमाग में रहता है, तो हो सकता है कहीं एक आध दो पॉइंट्स कहीं मिस हो गया, तो उसके लिए टेंशन ला लें, मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा तो कहीं भी अगर कुछ कमी रह गई लेक्चर में, तो उस कमी को हम लोग अपने उस लेक्चर में
ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे। तब हम लोग आपसे अलविदा मांगते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।